तो बॉय विद अ ड्रैगन सॉल के एपिसोड 9 में हमने देखा था बायमो और वैंग फैंग मैरो वॉशिंग पूल में पहुंच जाते हैं और वो दोनों वहां मेडिटेशन करने लगते हैं। वहीं वैंग फैंग बॉडी टेम्परिंग के एक्सट्रीम रिलम में ब्रेक थ्रू कर लेता है, पर बायमो बॉडी टेम्परिंग के 9th लेवल पर ही आकर रुक जाता है। फिर हम देखते हैं सिस्टर यू भी मैरो वॉशिंग पूल में मेडिटेशन कर रही होती है और वो बॉडी टेम्परिंग रिलम के 14th लेवल तक पहुंच चुकी थी। और बायमो भी वहां तक पहुंच जाता है और वो सिस्टर यू को हेलो बोलता है। फिर बायमो बोर्ड में खड़े वहां डिसाइपल से उनका कल्टीवेशन लेवल पूछता है। अब एपिसोड 10 हम देखते हैं बायमो सिस्टर यू के डिसाइपल्स को जेलस करने के लिए बोलता है, तुम दोनों इस उड़न बोट में क्यों खड़े हो, तुम दोनों इससे नीचे आ जाओ और मेरे तरह सिस्टर यू के साथ प्रैक्टिस करो। वही वो दोनों जेलस होते हुए बोलते हैं, क्या सिनर सिस्टर यू के साथ प्रैक्टिस। और उन दोनों के एनवी से बायमो का 2 इफानी पॉइंट प्लस हो जाता है। तभी पीछे से सिस्टर यू चिल्लाते हुए बोलती है, शट अप, तुम्हारी सीनियर सिस्टर कौन है, क्या तुम मुझे सीनियर सिस्टर बुलाने के लायक भी हो। और ये सुनकर उनका डिसाइपल बात करता है और उनमें से एक बोलता है, ऐसा लगता है कि सीनियर सिस्टर यू इस लड़के को बहुत नफरत करती है। तभी उनमें से दूसरा बोलता है, मुझे याद आया, ये बायमो है जो कि होली सन बनना चाहता था, लेकिन लास्ट में इसके बारे में कोई भी न्यूज नहीं आया। तभी वो पहला डिसाइपल बायमो को चिढ़ाते हुए बोलता है, अब तो ये एक जोक बन चुका है। और वो लोग मिलकर बायमो के पीछे से हंसते हैं। वही बायमो आगे बढ़ते हुए मुस्कुराते हुए मन ही मन बोलता है, ये लोग सारे कितने अच्छे हैं। तभी सीनियर सिस्टर यू बायमो को आगे बढ़ते देख मन ही मन बोलती है, 9th लेवल के बॉडी टेम्परिंग के कल्टीवेशन के साथ ये अभी भी आगे ही बढ़ता जा रहा है, पर मुझे अभी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस हो रहा है। और उसके जेलसी से बायमो का एक एनवी पॉइंट प्लस हो जाता है। फिर वो आगे बढ़ने लगती है और वो गुस्से होते हुए मन ही मन बोलती है, मैं एक लड़के से कैसे हार सकती हूँ जिसने अभी बस स्टार्ट ही किया है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बायमो मैरो वॉशिंग पूल में और भी डीप में नहीं जा पाता है और वो बोलता है, मैं अब थक गया हूँ, मैं बस यहीं पे प्रैक्टिस करता हूँ। और बायमो वहाँ मेडिटेशन के लिए बैठते हुए बोलता है, कुछ लवली लोगों ने मेरे फैनिस को 10 times बढ़ा दिया, मैं जो कि इतना रिच नहीं था, लेकिन अब मैं एक अच्छे से सक्सीड करूंगा और आज मैं यहाँ बॉडी टेम्परिंग के एक्सट्रीम रिलम पर ब्रेक थ्रू करके रहूंगा। और फिर बायमो अपने फैनी सिस्टम से फैनी यूज करने के लिए कहता है, पर वो फिर भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता है। फिर वो बोलता है, ये अभी भी काम नहीं कर रहा है, मैंने बॉडी टेम्परिंग के एक्सट्रीम रिलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए 2 फैनीज वेस्ट कर दिए हैं, ये तो इन यंग पागोड़ा के असेसमेंट से भी ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। फिर वो अपने फैनी सिस्टम को इफैनी यूज करने के लिए कंटिन्यू करने को कहता है और उसका इफैनी काम आता है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है, ये काम कर गया, अब मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ मुझे डबल फील हो रहा है, मुझे गरम लोहे पे ही मारना चाहिए, मुझे आगे बढ़ते रहना चाहिए। और फिर वो अपने इफैनीज को यूज करने कंटिन्यू करने लगता है, पर थोड़ी ही देर में उसका सिस्टम बोलता है, आपके इफैनीज खत्म हो चुके हैं। और बायमो बोलता है, ये इतना जल्दी खत्म हो गया, मैं करेंटली बॉडी टेम्परिंग के एक्सट्रीम रिलम के 16th फ्लोर पर हूँ और मैं अभी भी बॉडी टेम्परिंग के एक्सट्रीम रिलम के ग्रेट परफेक्शन से 2 लेवल दूर हूँ जो कि 18th लेवल है। बदकिस्मती से मेरे पास एक भी फैनिस नहीं बचे। और तभी वहाँ पर सिस्टर यू भी आ जाती है और बायमो के पीछे उसे देखते हुए बोलती है, फाइनली ये लड़का यहाँ तक आके रुक गया, मैं तो सच में यहाँ पर और थोड़ा देर भी नहीं रुक सक रही हूँ। और तभी सिस्टर यू के जलसे से बायमो का एक एनवी पॉइंट प्लस हो जाता है। ये देखकर बायमो खुश हो जाता है और पीछे मुड़कर सिस्टर यू को देखते हुए बोलता है, ये कितनी लवली पर्सन है, ये मुझे खुद ढूंढकर मेरा इफैनिस नंबर बढ़ा रही है। और तभी बायमो अपने फैनी सिस्टम से एक इफैनी यूज करता है और वो ब्रेक थ्रू कर लेता है और बायमो बॉडी टेम्परिंग के एक्सट्रीम रिलम के 17th फ्लोर तक पहुंच जाता है। और वो ये अंगड़ाई लेते हुए कहता है, जिसे देखकर सिस्टर यू शॉक होते हुए बोलती है, क्या बॉडी टेम्परिंग के एक्सट्रीम रिलम के 17th लेवल पर, ये तो अभी क्लियरली बस बॉडी टेम्परिंग के 9th लेवल पर था और उसने बॉडी टेम्परिंग एक्सट्रीम रिलम पे तो स्टेप भी नहीं रखा था, ये इतना जल्दी कैसे कर सकता है। और तभी बायमो वहां से उठते हुए सीनियर सिस्टर यू से बोल है, थैंक यू सिस्टर यू आपके असिस्टेंस के लिए, आज मैं बॉडी टेम्परिंग के एक्सट्रीम रिलम के ग्रेट परफेक्शन तक पहुंच जाऊंगा। वहीं सिस्टर यू का वहां खड़े खड़े पसीना छूट रहा होता है और वो बोलती है, क्या असिस्टेंस। और तभी बायमो ब्रेक थ्रू करके बॉडी टेम्परिंग के एक्सट्रीम रिलम के ग्रेट परफेक्शन तक पहुंच जाता है और वहां बायमो के ऊपर एक रॉक विजन फॉर्मेशन बन जाता है, जिसे देखकर सिस्टर यू बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है, क्या रॉक विजन, ये तो सच में बॉडी टेम्परिंग के एक्सट्रीम रिलम के ग्रेट परफेक्शन तक पहुंच गया।
वहीं सिस्टर यू के जेलसी से बायमो का एक एनवी पॉइंट प्लस हो जाता है। और तभी बायमो सिस्टर यू के पास आते हुए बोलता है, तो सीनियर सिस्टर यू, आप मेरे कल्टीवेशन स्पीड के बारे में क्या सोचती है, ये एक जीनियस है ना। ये सुनकर सीनियर सिस्टर यू आग बबूला हो जाती है और उसके जेलसी से बायमो का एक एनवी पॉइंट प्लस हो जाता है। साथ ही बायमो आग में थोड़ा और भी घी डालते हुए बोलता है, सिस्टर यू आपको थोड़ा जल्दी करना होगा, मैं तो स्टार्टिंग के कुछ ही दिनों में आपके साथ आ गया। फिर बायमो वहाँ से जाते हुए बोलता है, सिस्टर यू अगर आपको जरूरत हुई तो मैं आपको फ्री में गाइड कर सकता हूँ। ये सुनकर सिस्टर यू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उनके जेलसी से बायमो का एक और एनवी पॉइंट प्लस हो जाता है। ये देखकर बायमो थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलता है, सीनियर सिस्टर यू आप सच में बहुत ज्यादा क्यूट हो। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं सीनियर सिस्टर यू आग बबूला हो रही होती है और उनके जेलसी से बायमो का एक और एनवी पॉइंट प्लस हो जाता है और वो बोलती है, बायमो बस तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं वैंग फेंग मैरो वॉशिंग पूल में और भी आगे बढ़ रहा होता है और वो चलते चलते बोलता है, अब मैं बॉडी टेम्परिंग एक्सट्रीम रिलम तक पहुँच चुका हूँ, साथ ही मैं अभी 3 कंसेक्यूटिव रिलम्स में प्रमोट हुआ हूँ और बॉडी टेम्परिंग के एक्सट्रीम रिलम के 12th लेवल तक पहुँच चुका हूँ। और वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि सेंगजवान सेक्ट में मेरे जैसा और कौन है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एल्डर शुई और सैन खड़े हुए होते हैं। साथ ही वैंग फेंग उनके पास आता है और वो मनी मन बोल रहा होता है कि अगर बायमो भी बॉडी टेम्परिंग रिलम के 9th लेवल तक पहुँच चुका है तो आफ्टर ऑल बॉडी टेम्परिंग के एक्सट्रीम रिलर पर अभी तक स्टेप नहीं रखा है, वो मुझसे ज्यादा अच्छा नहीं है। तभी वैंग फेंग एल्डर शैन और सुई को देखते हुए बोलता है, एल्डर्स मैं बाहर आ रहा हूँ। फिर एल्डर शैन और सुई उसकी तरफ मुड़ते हैं और वो दोनों शॉक रह जाते हैं और वो दोनों बोलते हैं, ये तो। वहीं वैंग फेंग के पीछे से बायमो भी आ रहा होता है पर वैंग फेंग एल्डर शैन और सुई को शॉक होता देख मनी मन मुस्कुराते हुए सोचता है, जरूर ये दोनों एल्डर शैन और सुई मेरे रिलम में ब्रेक थ्रू के स्पीड से शॉक हो गए होंगे और ऐसे मोमेंट में तो ये कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। वहीं बायमो भी वैंग फेंग के पीछे पीछे ही आ रहा होता है। वही एल्डर शैन और सुई शॉक रहते हैं और वो बोलते हैं, क्या ये सच है, अनबिलीवेबल। और वैंग फेंग मुस्कुराते हुए बोलता है, नेचुरली ये सच है। और तभी एल्डर शैन और सुई बोलते हैं, बायमो सच बताओ हमने कोई गलती नहीं की है। और तभी वैंग फेंग पीछे मुड़ते हुए देखता है और वो बोलता है, क्या बायमो। और बायमो बोलता हुआ आता है, आप दोनों एल्डर ने जो देखा है वो सच है। वही एल्डर शैन और सुई दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और एल्डर सुई बोलते हैं, ये तो बॉडी टेम्परिंग एक्सट्रीम रिलम का ग्रेट परफेक्शन है, ओ माय गॉड। फिर एल्डर शैन बोलते हैं, जब तुमने एंटर किया था तो तुम बॉडी टेम्परिंग रिलम के बस 3rd लेवल तक ही थे और अब तुम बाहर आ रहे हो तो तुम बॉडी टेम्परिंग एक्सट्रीम रिलम के ग्रेट परफेक्शन तक पहुंच गए हो, ये तो सच में बेमिसाल है। वहीं ये सुनकर वैंग फेंग बहुत ज्यादा शॉक होते हुए बोलता है, क्या बॉडी टेम्परिंग एक्सट्रीम रिलम का ग्रेट परफेक्शन। और तभी वो निराश होते हुए वहीं पर घुटने टेक देता है और वो बोलता है, ये कैसे हो सकता है। साथ ही इस बार वैंग फेंग बायमो से जेलस भी नहीं हुआ था। वहीं ये देखकर बायमो मनी मन बोलता है, ये तो स्ट्रेंज है, मुझे एक भी फैनी नंबर क्यों नहीं मिला, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं वैंग फेंग अपने सिर पर दोनों हाथ रखते हुए बोलता है, मैं तो सच में खुद को कुछ ज्यादा ही महान समझ रहा था, क्या मैं इतना भी क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मैं इसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा भी रह सकूं। वहीं बायमो मनी मन बोलता है, लगता है मैंने इसे कुछ ज्यादा ही हीट कर दिया, ये तो सच में कम्प्लीटली अपना स्ट्रगल का गोल ही भूल गया, मैंने इसके कॉन्फिडेंस को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही वो वैंग फेंग को इतना ज्यादा निराश होते हुए देख बोलता है, नहीं नहीं मुझे इसे चीयर करना ही होगा। और फिर बायमो वैंग फेंग के पास जाकर उसके कंधे में हाथ रखते हुए बोलता है, जूनियर ब्रदर वैंग फेंग सच बताओ तो रिलम में इतने जल्दी ब्रेक थ्रू करने का रीजन है, ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास बॉडी टेम्परिंग के गॉड लेवल को ऑब्टेन करने का पिल था जिसके कारण मेरा किंचिंग बॉडी हर तरफ से ग्रेट परफेक्शन में अपग्रेड हो गया बिना किसी भी रुकावट के। वही वैंग फेंग शॉक होते हुए बोलता है, क्या सच में। और बायमो बोलता है, ऑफ कोर्स ये सच है, मुझे लगता है कि तुम भी देख सकते हो कि मेरा टैलेंट बहुत ही एवरेज है। और तभी वैंग फेंग वहां पर खड़े होते हुए मुस्कुराते हुए बोलता है, सच में तुम्हारा टैलेंट अभी भी बीच में ही है, पर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे पास एक गॉड लेवल पिल का चांस है। और तभी वो मनी मन बोलता है, मुझे ये कैसे पता नहीं चला, इस तरह का अपॉर्चुनिटी इस बायमो को कैसे मिल गया। वहीं उसके जेलसी से बायमो का एक एनवी पॉइंट प्लस हो जाता है। वहीं बायमो ये देखकर खुश होते हुए बोलता है, ये तो बहुत इफेक्टिव है। और फिर वैंग फेंग अपने कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, बायमो मैं वैंग फेंग जिसके पास बचपन से ही एक ग्रेट एम्परर का अपीयरेंस है, मैं किसी से भी नहीं हारूंगा, स्पेशली तुम, मैं जल्दी ही तुम्हें सरपास कर दूंगा, तुम बस रुको और देखो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।